हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसके एंड में फोर हो। ठीक है, लाइक 64 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। सो शॉर्ट कट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो विद इन फ्यू सेकेंड वी कैन फाइंड आउट एंड विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जिसके एंड में फोर हो उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 34 का स्क्वायर हमें निकालना है। सो 34 का स्क्वायर निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है? ठीक है, ऐड वन टू बोथ द नंबर। ठीक है, सो 34 का प्लस वन कर देंगे 35 हुआ। अब 34 का स्क्वायर का मतलब होता है 34 into 34, राइट? सिंपल सा। अब हमारा स्टेप वन बोलता है कि 34 प्लस वन कर दो, 35 हो गया। अब इसको कर दो 35 into 35। ठीक है, सो 35 into 35 हमें पता है कि किसी भी नंबर के एंड में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, एंड इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। सो उसको प्लीज़ वॉच करो एंड यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि किसी भी नंबर के एंड में 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक, तो अपना स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या बोलते हैं कि जो नंबर है 34 प्लस कर दो एक ऐड करके 35, उसको सम कर दो। ठीक है, 69 हुआ। अब स्टेप थ्री, तीन स्टेप है। ठीक है, स्टेप थ्री क्या बोलते हैं कि स्टेप थ्री का मतलब हुआ कि स्टेप वन में जो नंबर आया है माइनस स्टेप टू कर दो। ठीक है, तो 1225 minus 69, तो ये आ गया अपना 1156। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर जिसके एंड में फोर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो 44 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 44 into 44, राइट? अब हमारे स्टेप वन क्या बोलते हैं? ठीक है, एक नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 44 plus 1 45 into 45। तो 45 का स्क्वायर किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 है तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंड का जो नंबर है इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4 into नेक्स्ट नंबर इसका क्या है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप टू क्या है? स्टेप टू क्या बोलता है कि जो भी नंबर है, ठीक है, 44 प्लस एक ऐड कर दो 45, इसका सम कर दो, कितना हो गया 89। ठीक है, अब 89 को स्टेप थ्री, हमारा कंसेप्ट है कि स्टेप वन माइनस स्टेप टू, स्टेप वन माइनस स्टेप टू। स्टेप वन में कितना नंबर है? 20 25 minus 89। ठीक है, तो ये कितना आ गया? तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ गया अपना 1936। जस्ट सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ये अपना आंसर है। तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड आउट एनी नंबर स्क्वायर एंडिंग विथ 4। ठीक है, so guys please like and subscribe my video if you like this video and to say then you share it to your friend and family also।